उद्धव ठाकरे धनुष बाण चुनाव चिन्ह छीनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र के खेड़ में रैली की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर नाम चुराने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और अब बाला साहेब ठाकरे के नाम चुरा लिए। सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, उन्होंने सरदार पटेल का नाम चुराया। इसी तरह उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को चुरा लिया और बाला साहेब ठाकरे के साथ भी ऐसा ही किया। उद्धव ने कहा, बीजेपी भाई भतीजावाद की बात करती है, मैं उनसे कहता हूँ हाँ, मैं बाला साहेब ठाकरे का बेटा हूँ। मेरा परिवार 6 पीढ़ियों से महाराष्ट्र की सेवा कर रहा है। मेरे पिता की फोटो चुराने के बजाय मोदी की फोटो लगाओ और चुनाव लड़ो। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वो बिना शिवसेना के नाम और बिना बाला साहेब ठाकरे की फोटो के मोदी के नाम पर वोट मांग कर दिखाएं। उद्धव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसे आकर जमीनी स्थिति देखनी चाहिए। आपने हमसे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीन लिया है, लेकिन आप शिवसेना को मुझसे नहीं छीन सकते। अगर लोगों का जनादेश तय करता है कि मुझे घर बैठना चाहिए तो मैं ऐसा करूंगा, जैसे मैंने वर्षा को छोड़ा और घर चला गया, लेकिन चुनाव आयोग के आदेश पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। उद्धव ने कहा कि मेघालय में कोनराड संगमा के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उद्धव ने गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमित शाह ने संगमा पर इतनी सारी बातें कही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संगमा का परिवार राज्य का मालिक है, गरीबों का पैसा खाता है। मेघालय देश की सबसे भ्रष्ट राज्य सरकार है। नतीजे आने वाले दिन पीएम मोदी ने संगमा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम बोले, अमित शाह ने पुणे में कहा था कि मैंने सीएम बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी का जूता चाटा है, अब आप मेघालय में क्या कर रहे हैं, आपको कोई शर्म नहीं है। गौमूत्र को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए उद्धव ने कहा, क्या गौमूत्र छिड़कने से हमारे देश को आजादी मिली थी? क्या ऐसा हुआ कि गौमूत्र छिड़का गया और हमें आजादी मिली? स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया तब हमें आजादी मिली। उद्धव ने कहा कि केजरीवाल ने उनसे मुंबई में मुलाकात की और कहा कि हमें मिलकर लड़ना चाहिए। विपक्षी दलों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। जिस तरह अब चुनाव आयोग की निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, केंद्रीय एजेंसियों को प्रतिबंधित करने का समय आ गया है। उद्धव ने सीएम एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे लिए देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या हम देशद्रोही हैं? अनिल परब, दत्तात्रेय और राजन सालवी जैसे लोगों ने मुंबई दंगों से कई लोगों की जान बचाई थी, बाद में उन्हें सफाई देनी पड़ी कि वो राष्ट्रवादी हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।